दोस्तों आज मैं आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, ऐसा फोटो बिना किसी लाइटरूम एप्लीकेशन के एंड बिना किसी लाइटरूम प्रीसेट के कुछ इस तरीके का कैसे एडिट कर सकते हैं वन क्लिक में। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही जबरदस्त एडिटिंग सिखाने वाला हूं, क्योंकि गाइस आज मैं आपको सिर्फ पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। तो गाइस अगर आप लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन से एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले अपने फोटो को शेयर कर लेना है पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस जैसे आप अपने फोटो को पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर शेयर करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो गाइस यहाँ पर जो है साइड में आपको कुछ टूल्स दिखाए जा रहे होंगे ये वाले, ठीक है। तो इन्हें आपको अलग अलग तरीके से आपको यूज करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन्हें यूज करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपने फोटो को देखना है आपके फेस पर लाइट ज़्यादा है या फिर कम। तो अगर आपको फेस पर लाइट ज्यादा है या फिर कम तो आपको सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर यहां पर क्लिक कर देना है, ठीक है, टूल्स वाले ऑप्शन पर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, ठीक है, थ्री लाइन। तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से बहुत सारे टूल्स दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके फेस पर लाइट ज़्यादा है या फिर कम है तो आपको जो है ना इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, सूर्य वाले पर बिनेश नेट। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके फेस पर लाइट ज़्यादा है तो इसे नीचे करना है इस वाली लाइन को, और अगर कम है तो इस वाली लाइन को ऊपर करना है, ठीक है, प्लस। तो जैसे ही प्लस करोगे तो आपका जो फोटो होगा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इतनी ही लाइट रखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा रखूँगा तो बेकार हो जाएगा फोटो, तो इतना ही यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक नीचे ऑप्शन दिखाया जा रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है, एंड जैसे ही क्लिक करोगे तो इस वाली लाइन को कुछ इस तरीके से ऊपर करना है, ठीक है। तो ज़्यादा ना 14 रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको दोबारा इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, तीसरे वाले पर, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस वाली लाइन को ऊपर स्क्रॉल करना है, तो इसको रखना है कम से भी कम 12 या फिर 9 रख सकते हैं, अपने फोटो के हिसाब से भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद इसे नीचे करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसको रखना है 26-26। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एक राइट का ऑप्शन मिलेगा साइड में इस वाले पर, तो आपको यहाँ पर इसे सेव कर लेना है। तो सेव जैसे कर लोगे तो आपका जो फोटो होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पर बन जाएगा। तो गाइस उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर तो आपको अपने फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है, टूल्स वाले पर, ठीक है। तो जैसे ही टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको जो है इसे एक फिंगर से आपको इसे छोटा कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसे यहां पर रख देना है साइड में। इतना करने के बाद यहां पर जो है आपको इस वाले ऑप्शन पर यहां पर क्लिक करना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद इस लाइन को कम करना है, ठीक है। तो इतना रख लेना है, कम से भी कम 10 रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला, ठीक है। तो इस पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है, एंड जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोबारा इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, ये वाले पे। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ये इस लाइन को छोटा करना है और इस वाली लाइन को फुल कर देना है, ठीक है, फुल नहीं 93 रखना है। इतना करने के बाद आपको अपने फोटो को जूम करना है कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ब्लर आपके फेस पर से हट जाएगा, ठीक है। आपको अपने फेस को जूम करना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं कर रहा हूँ, हल्का हल्का ही हाथ से करना है, ज़्यादा स्पीड से मत करना है, ठीक है। तो थोड़ा हम यहाँ पर साइज बढ़ा लेते हैं इसका। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा कितनी अच्छी तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस बस आपको इस वीडियो को यार शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एडिटिंग करना सिखा दूंगा पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस आपको कुछ इसी तरीके से करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है।
तो गाइस आप कुछ इसी तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, इसे यहाँ से राइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ कलर दिखेंगे एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, ठीक है, ये वाले यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। तो आपको जो है इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है, कलर वाले ऑप्शन पर, ठीक है, इस वाले पर। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, कलर वाला। तो आपको सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद इस गोले को कहीं पर भी आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे आप छोड़ दोगे तो कुछ इस तरीके का आपका जो इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको जो है इस वाली लाइन को, ये वाली जो आपको दिख रही होगी, तो इसे आपको पूरा हैंडराइट कर देना है। दोबारा फिर आपको क्या करना है, इस वाली लाइन को यहाँ पर आगे पीछे करना है, ठीक है। तो जैसे इसे आगे पीछे करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड का जो है कलर चेंज होगा, ठीक है, आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। तो आप यहाँ पर कोई सा भी कलर यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैंने कलर यहाँ पर ले लिया है एंड उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। तो सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा फोटो का लुक कुछ इस तरीके का आ चुका है। और गाइस उसके बाद हमें जो है अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना है। तो आपको जो है दोबारा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले पर। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलेगा ब्लर वाला, ठीक है, यहाँ पर ब्लर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरे वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपका जो फेस वगैरह जो पूरा फ़ोटो ब्लर में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बैकग्राउंड का, ठीक है, ये वाला। तो सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारा जो ब्लर होगा वो पीछे बैकग्राउंड में पहुंच जाएगा। तो गाइस अब जो है हमारे जो मतलब साइड में मतलब ज़्यादा ही ब्लर आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमें ब्लर नहीं रखना, तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद इस लाइन को थोड़ा कम कर लेना है और यहाँ पर थोड़ा फोटो को जूम करना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर सर्कल करना है, ठीक है। तो आपको जो है फिर इतना कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सेव कर देना है। और गाइस फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, इस वाले पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद अपने होठों पर लिपस्टिक आप कोई सी भी लगा सकते हैं, बट आप नया भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी की बात है। तो यहाँ पर मैं इस वाली को यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे होठ हैं। तो इस वाली लाइन को जो है यहाँ पर मैं एरो का निशान लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो लाइन है इसको आपको आगे पीछे करना है, ठीक है। तो ये उसका काम करती है, आपके होठों पे जो लिपस्टिक है उसे कम या ज़्यादा दिखाओ, ठीक है। तो हम इतना ही दिखाते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ से राइट कर देना है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो फोटो है कुछ इस तरीके का अभी ये बन चुका है। और गाइस फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जो है राइट कर देना है एंड राइट करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है यहाँ पर साइड में और इस पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, इस वाले पर, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सर्कल वाला मतलब गोला ले लेना है, ठीक है। इसे इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको इसे फुल कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर इसे फुल कर लेना है और यहाँ से इसे राइट कर देना है। और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वाइट कलर सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको अपने फ़ोटो को जूम करना है और कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो पर इसे लगाना है यहाँ पर। इतना कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टिकर, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है अभी नेट आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, सर्च करना है, ठीक है, सन। तो अभी मेरा नेट ऑफ है तो यहाँ पर मैंने पहले से ऐड करके रखा है, ठीक है। तो आपको इसे ले लेना है एंड इसे लेने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके से पीछे यहाँ पर रखना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपका जो फोटो होगा कुछ इस तरीके का यहाँ पर बन जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं और गाइस आप लोग कुछ इसी तरीके से अपने फ़ोटो को एडिट
कर सकते हैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। इसे आपको अपनी गैलरी में सेव करना है, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव वाला, और यहाँ पर इसे सेव कर लेना है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।